दोस्तों अक्सर सब्लिमेशन प्रिंटिंग जो करते हैं हमारे भाई, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि ये देखिए, जैसे यहाँ पर प्रिंट हो गया है एक नाम, आप देख रहे हैं यहाँ पर मंटू लिखा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मंटू की जगह मुझे कोई दूसरा नाम लिखना है, और आप दूसरा चीज़ ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये सब्लिमेशन प्रिंट है। सब्लिमेशन प्रिंट रिमूव नहीं होता है, इसको हम इसकी प्रिंट को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसके जगह पर हमें दूसरा कोई अगर नाम लिखना है तो क्या हमें करना पड़ेगा, एक इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ उसका ये करना होता है कि दोस्तों आपको करना ये है कि आपको इस तरह के सब्लिमेशन पेपर पे, इस तरह के सब्लिमेशन पेपर पे आपको ऐसा एक प्रिंट निकाल लेना होगा। ये ब्लैक कलर का पूरा इंक है इस पर, और इस तरह के सब्लिमेशन पेपर पे आपको इस तरह का इंक निकाल लेना होगा। और इसी इंक को हम जो है, जो प्रिंट हुआ है इस पर क्या करेंगे, इसको हम इसको यहाँ से लगा के हीट कर देंगे। तो ये जो कलर है इसके ऊपर ये अब ये चढ़ जाएगा, और ये का जितना भी ये मैटर यहाँ पर प्रिंट हुआ है इसके जगह पर ये ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि हम एक प्लॉटर से, जो विनाइल कटिंग वाली प्लॉटर है उससे हम जो है कि जो भी हमें नाम दूसरा प्रिंट करना होगा इस तरह का विनाइल लगाएंगे। विनाइल लगाने के बाद एक कटिंग निकालेंगे, कटिंग निकालने के बाद फिर उस इंक के ऊपर हम इसे प्रिंट कर देंगे। तो इसका सारा प्रोसेस क्या है, कैसे हम जो है कि नाम को छुपाते हैं इंक के द्वारा, और उसके बाद विनाइल की कटिंग करने के बाद हम उसे कैसे प्रिंट करते हैं, ये सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। और प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा किस तरह से एक टी शर्ट पर अगर किसी का नाम गलत प्रिंट हो गया है, या आपके पास कोई कस्टमर आता है ऑलरेडी उस पर कोई नाम पहले से प्रिंट है, या कोई भी मैटर दूसरा कोई प्रिंट है, आप उसको छुपाना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, तो वो हट तो नहीं पाएगा। उसका प्रोसेस यही है कि इस तरह का सब्लिमेशन पेपर पर आपको इंक निकाल करके उसके ऊपर पहले ट्रांसफ़र करना होगा ताकि वो पूरा का पूरा ब्लैक हो जाए। अब उसके बाद विनाइल से जो है कि आपको उस पर प्रिंट करनी होगी। तो ये सारा प्रोसेस आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। तो हमारे पास अभी क्या है कि हमने एक सब्लिमेशन पेपर पर इस तरह का जो प्रिंट है मैंने निकाल लिया है, और अभी मुझे करना ये है कि मैं इस टी शर्ट के ऊपर, इस टी शर्ट के ऊपर इस इंक को मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो चलिए आपको अब मशीन की तरफ लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसे हम छुपाने के लिए इस इंक को हम इस पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम इसके लिए जा करके इसे प्रिंट करने वाले। तो दोस्तों हम अपने मशीन के पास आ चुके हैं, और ये हमारा प्रिंटेड ऑलरेडी पहले से जो प्रिंट किया हुआ टी शर्ट है, अब हम इसे अपने मशीन में लगा देंगे। और ये वाली जो सब्लिमेशन पेपर पे हमने प्रिंट किया है पूरी की पूरी ब्लैक कलर है, इस पर हम क्या करेंगे, इस नेम के ऊपर इसे जो है प्रिंट कर देंगे ताकि इसका नाम जो है छुप जाए पूरा का पूरा, ये जो है पूरा ब्लैक हो जाए पहले। तो इस पेपर को हम यहाँ पर रख देते हैं और उसके बाद इसे प्रिंट कर देते हैं। तो मशीन हमारा पूरी तरीके से हीट हो चुका है, अब हम प्रैक्टिकली इसे जो है प्रिंट करने जा रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मशीन हमारी जो है कि सेट हो चुकी है और प्रिंटिंग में प्रोसेस जा चुका है। अभी कुछ ही सेकंडों के बाद आप देखेंगे कि इसका जो इंक है अब उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जैसे ही ट्रांसफ़र होगा ये पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब हम उस पर कोई सा भी कटिंग निकालेंगे अपने विनाइल प्लॉटर की मदद से, और प्लॉटर का भी क्या तरीका है, किस तरह से प्रिंट करेंगे हम, प्लॉटर में किस तरह से काटेंगे, वो सारी चीज़ें प्रोसेस आपको दिखाई जाएगी। तो इसको देखिएगा, जब बस कुछ ही देर में ये प्रिंट उसका हो जाने वाला है, और ब्लैक कलर का पूरी, कहीं भी आपको टेक्स्ट उसका पहले का प्रिंट किया हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये पूरी तरीके से ये प्रिंट हो चुकी है, अभी मशीन बीप कर दिया है, अब मैं मशीन को मैं उठाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल वाकई में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए इसका जो पहले से जो प्रिंट किया हुआ था वो पूरी की पूरी क्या हो गई, अब यहाँ पर ये ब्लैक हो गया। अब हम इसे चाहेंगे तो जिस भी कलर का, चाहे आपके पास ब्लैक हो, चाहे येल्लो हो, चाहे रेड हो, किसी भी तरह का आप जो है इस पर प्लॉटर की मदद से कोई भी प्रिंट कटिंग निकालेंगे और इसके ऊपर प्रिंट कर देंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा यही है कि हम प्लॉटर पर इसे प्रिंट करने जा रहे हैं। तो चलिए अब अपने प्लॉटर के ऊपर चलते हैं, और जो भी नाम हमें प्रिंट करना है उसे प्लॉटर की मदद से पहले हम उसे कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप हमारे स्क्रीन पर, लैपटॉप पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किए हैं, वीके जीके। तो ये दो टीशर्टों का मैटर है, एक पर जो है कि वीके होगा और एक पर जो है कि जीके होगा। तो दोनों टी शर्ट पर सेम उसी तरह का प्रॉब्लम आया हुआ है, उसके ऊपर हम जो है विनाइल को प्रिंट करने वाले हैं। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने वीके और जीके को टाइप कर लिया है अपने लैपटॉप में, अब इसे हम प्लॉटर की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्लॉटर की तरफ, यहाँ पर मैं इसे कमांड दे देता हूँ। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि प्लॉटर में जब इसकी कटिंग करते हैं तो इसे मिरर कर लेते हैं पहले से ही, तो मैं इसे यहाँ से मिरर कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर आपको एक सिलेक्शन देना होगा, सिलेक्शन देने के बाद आपको बॉक्स में आउटलाइन इसका आपको देना होगा। आउटलाइन नहीं देंगे तो इसकी कटिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो चलिए इसकी आउटलाइन हम दे देते हैं।
तो ये हमारा आउटलुक, इसका जो है कि आउटलाइन है, इसे मैं ऑल सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से अपने प्लॉटर पर इसको मैं कमांड दे देता हूँ। तो चलिए अब प्लॉटर की तरफ चलते हैं और कटिंग करके देखते हैं। तो प्लॉटर की तरफ हमें चलने से पहले हम विनाइल को पहले प्लॉटर में सेट कर लें, तब जा करके यहाँ पर सेंड टू कमांड का हम प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि विनाइल पर मैंने जो है कि प्लॉटर पर मैंने जो है अपना विनाइल लगा दिया है। आप देख पा रहे होंगे ये विनाइल मैंने लगा दिया है। अब इस पर जो मैटर मुझे कटिंग करनी है, मैं उसे कटिंग करने के लिए यहाँ से कमांड दे दूंगा। तो हेडर को अपने सेट कर लेते हैं कहाँ से हमें जो है प्रिंट करना है। ये मैंने इसे सेट कर दिया। चलिए अब अपने लैपटॉप के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर कमांड देते हैं ताकि ये कटिंग इसकी कटिंग होनी स्टार्ट हो जाए। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका मैटर यहाँ पर प्रिंट है। अभी हम इसे कमांड देते हैं कटिंग के लिए, यस कर देते हैं और सेंड टू कट। तो चलिए अब अपने प्लॉटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कटिंग की क्या स्थिति है। तो दोस्तों यही विनाइल है, कटिंग है इसकी, और हम इसे अब जब है कटिंग की इसको हम प्रिंट करने वाले हैं। ये दोनों दो टी शर्ट का मैटर है, एक एक टी शर्ट पर प्रिंट होगा। तो मैं आपको केवल एक ही टी शर्ट पर प्रिंट करके दिखाऊंगा। एक टी शर्ट पर वीके लिखना है और एक टी शर्ट पर जीके लिखना है। तो ये दोनों हमारे पास मैटर हैं, अब इसे जो है हम अपने टी शर्ट पर प्रिंट करने वाले हैं। तो दोस्तों यही हमारा कटिंग विनाइल है। अब इस कटिंग को हमें जो है इस टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करना है। आपने पूरा प्रोसेस देख लिया कि किस तरीके से, अगर कोई अलग से कोई अगर नाम गलती प्रिंट हो गया हो या फिर किसी दूसरे का नाम हो, उस पर जो है कि हम किस तरह से इंक लगा करके पहले उसे जो है पूरी तरीके से ब्लैक कर लेते हैं, उसके बाद विनाइल से प्रिंट करने के बाद वहाँ पर जहाँ पर हमारा ब्लैक एरिया है वहीं पर हम जो है विनाइल की कटिंग को रख करके प्रिंट कर देते हैं। तो ये हमारा वीके का मैटर है, हम इसके ऊपर रख करके इसे प्रिंट कर देंगे। पहले जो इसका नाम था बिल्कुल भी वो समझ में नहीं आएगा कि पहले इसका क्या नाम लिखा हुआ था, और अभी करंट में जो मैंने प्रिंट किया है केवल वही आपको नजर आएगा कि यहाँ पर ये वीके प्रिंट किया हुआ था। तो मशीन पर मैंने इसे हिट दे दिया है, कुछ ही देर में ये जो है जो इसका वीके नाम का जो कटिंग है विनाइल का वो इसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा इंतजार करते हैं और देख लेते हैं कि प्रिंटिंग इसकी किस तरह से आ रही है। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, देखिए बिल्कुल कितनी भी खूबसूरत इसकी प्रिंट आई है, और जो इसके ऊपर पहले से प्रिंट किया हुआ था वो अब बिल्कुल भी यहाँ पर छुप चुका है। तो यही प्रोसेस होता है, हम किसी भी टी शर्ट को अगर वहाँ का मैटर अगर छुपाना होता है हमें, तो क्या करते हैं ब्लैक कलर का पहले जो है इंक निकालते हैं सब्लिमेशन पेपर पे, और उसके बाद हीट करने के बाद पूरे एरिया को ब्लैक कर देते हैं, और ब्लैक करने के बाद विनाइल से कटिंग निकालते हैं। कटिंग निकालने के बाद उस विनाइल को यहाँ पर ही रख करके हीट प्रेस से प्रेस कर देते हैं और वो विनाइल इसके ऊपर स्टिक हो जाता है। तो इस वीडियो में यही इतना ही था, और मेरा ये बताने का ही पर्पज था कि गलती से अगर किसी टी शर्ट पर किसी दूसरे का नाम प्रिंट हो गया हो या आप वाकई में वो प्रिंट को हटा करके कोई दूसरा नाम लिखना चाहते हो, तो इसका जुगाड़ जो है वो यही है, इसी यही है इसका देसी जुगाड़। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो किसी दूसरे हमारे सब्लिमेशन करने वाले प्रिंटिंग करने वाले हमारे भाई को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये प्रोसेस पता चल जाए। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।